बगदाद में मारा कमांडर अमेरिका से सीधा युद्ध। इराक में एक बार फिर से ईरान समर्थित कमांडर मारा गया है। कमांडर अबू तक्वा की मौत के बाद ईरान ने जबरदस्त हमले अमेरिका पर करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर की सुपर पावर ताकतें गाजा से लेकर इराक तक कोहराम मचाए हुए हैं। लाशों का अंबार लग चुका है, बारूदी हमले तेज होते जा रहे हैं। इंसानी चीथड़ों के बीच में जंग का जुनून इस कदर हावी हो चुका है कि एक तरफ हमास, ईरान, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान समर्थित लड़ाके आर पार की जंग पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका अपने हाईटेक हथियारों और खुफिया इनपुट के दम पर 150 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों के कमांडर्स को मार चुके हैं। गाजा से इराक तक खूनी गदर। जहां गाजा युद्ध में हमास इजरायली सेना से आखिरी युद्ध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया और इराक में ईरान समर्थित लड़ाके, हूथी लड़ाके और इराक में मौजूद अल नुजाबा के लड़ाके अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। यहां तक कि समंदर में हूथी और ईरान समर्थित लड़ाके चुन चुन कर इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों के मालवाहक जहाजों पर सीधे हमले कर रहे हैं। पूरा मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। हम आपको इराक में हुए अमेरिका के उस क्रूर हमले के जरिए समझाएंगे कि कैसे ईरान, हूथी और अब अल नुजाबा के लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं और क्यों अमेरिकी सैनिकों के लिए इराक और सीरिया में मौजूद सैन्य अड्डे मौत का अड्डा बनते जा रहे हैं। कमांडर अबू तक्वा की मौत, ईरान ने किए 88 हमले। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुपर पावर अमेरिका ने 25 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक लगातार इराक और सीरिया में हवाई हमले तेज क्यों कर रहा है और क्यों वो चुन चुन कर सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया कमांडर को बेरहमी से मार रहा है। जरा 4 जनवरी 2024 की इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिकी हवाई हमलों की ये तस्वीरें इराक के मध्य बगदाद की हैं, जहां अमेरिका ने अपने किलर ड्रोन से ईरान समर्थित मिलिशिया के एक वरिष्ठ कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी अबू तक्वा को ड्रोन हमले में मार डाला है। अमेरिका के ड्रोन हमले में कमांडर अबू तक्वा समेत 4 लोग मारे गए हैं जबकि 6 घायल हुए हैं। इस एनिमेशन के जरिए कमांडर की मौत के पूरे सीन को समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य बगदाद में 4 जनवरी को कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी अबू तक्वा अपने अल नुजाबा हेडक्वार्टर में मौजूद था, जिसकी खुफिया जानकारी अमेरिकी सेना को मिल चुकी थी। जैसे ही कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी अबू तक्वा की कार अल नुजाबा हेडक्वार्टर से बाहर निकली, तभी उस पर अमेरिका के किलर ड्रोन ने मिसाइलों से हमला कर दिया। मिसाइलों का हमला इतना भयानक था कि बड़ी कार माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गई। अमेरिका के इस हमले में कमांडर अबू तक्वा समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। अमेरिका के दावे के मुताबिक ईरान समर्थित शिया मिलिशिया का कमांडर अबू तक्वा अमेरिकी बलों पर हुए घातक हमलों में शामिल था। इराक में अल नुजाबा ग्रुप का कमांडर अबू तक्वा ईरान का कट्टर समर्थक था जो इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहा था। Confirm that on January 4 at approximately 12 p.m. Iraq time, U.S. forces took necessary and proportionate action against Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari, a.k.a. Abu Tak'wa, who is a Harakat al-Najuba leader,
Abu Taqwa was actively involved in planning and carrying out attacks against American personnel. इधर बगदाद में कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी अबू तक्वा की मौत के बाद ईरान ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे गाजा से लेकर इराक तक और इराक से लेकर सीरिया तक इजरायली और अमेरिकी सेना पर हमले हो रहे हैं। जरा देखिए कैसे ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इराक में अमेरिका के एरबिल एयरबेस पर भीषण हमले किए थे। कताइब हिजबुल्लाह का यह हमला अमेरिकी सेना पर बहुत भारी पड़ा था। अमेरिका के मुताबिक ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर 25 दिसंबर 2023 को घातक हमला किया था। अमेरिका ने दावा किया था कि उत्तरी इराक में मौजूद अमेरिका के एरबिल एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया था। इराक में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन 3 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे। कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमले कैसे किए इसकी जानकारी नहीं दी गई है और ना ही घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताए गए हैं। इराक में कताइब हिजबुल्लाह के हमलों से अमेरिका बौखला गया था। इन शहादत हो वो सब अक्सुल हमल व पेशवा की शिकस्त हो ये सख्ती जितने ये साल हो ये अखीर और पेचरी इस्तिकबाल व अवामिल मंतगी व दरूनी आन वारिद शुदे हैं। मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक इसराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान रूस की शह पर अब जंग में खुलकर कूदने लगा है। हूथी चुन चुन कर समंदर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों और टैंकरों पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप छिप कर बड़े हमले कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति बाइडन के आदेश पर तुरंत ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करके बदला ले लिया था। जरा सोचिए 25 दिसंबर 2023 को अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह से कैसे बदला लिया था। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह पर भीषण हवाई हमले किए थे। कताइब हिजबुल्लाह पर अमेरिका ने यह हमले इराक और सीरिया में किए। 25 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सेना ने कताइब हिजबुल्लाह पर हमला किया था। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह लड़ाकों के 3 ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया। खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद ये हमले किए गए। गाजा से इराक तक खूनी कदम। अमेरिका और इसराइल दोनों ही इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक मुस्लिम मुल्कों के कमांडर्स और लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। 3 जनवरी 2024 को ईरानी दावों के मुताबिक इसराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी को ड्रोन हमले में मार डाला था, जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मुसावी को मारा गया है। मुसावी ईरानी दूतावास से जैसे ही अपने घर पहुंचे तभी दोपहर 3 बजे उन पर इसराइल ने 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मिसाइल हमलों की वजह से मुसावी की लाश घर से उछल कर बगीचे में जा गिरी। تمام دنیا دارن احساس میکنن این قدرت و این توانایی رو
یقین بدانید ابتکار عمل به دست نیروهای مقتدر ماست، مکان و زمان با نیروهای ما تعیین خواهند کرد. کل ملاقات غزہ سے لے کر عراق تک آر پار کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ ایران، روس، لبنان اور سیریا کے خونی بدلے کی آگ سے اسرائیل اور امریکہ کب تک جنگ کر پاتے ہیں.